वसीयत एक अजिहा कानून दस्तावेज है जिसके राही कोई व्यक्ति यह फैसला करता है कि उसकी मौत तो बाद उसकी जायदाद किसनू मिलेगी या संपत्ति की आखिरी वंड तक इसका प्रबंध कौन संभालेगा। साउथ एशियन भाईचारा वसीयत बारे अज भी खुल के गल करन तो झिझकदा है, जबकि माहरां का कहना है कि परिवारों खास करके कनेडा रहने वाले लोगों को अपनी वसीयत बनवाउन बारे जरूर सोचना चाहिए। इंडिया दे विच जिहड़ी पंजाब च आपां बिल बनाने बड़ी देसकरी हुंदी है, अक्सरी एक पेज दी होएगी, उते लिखा होएगा तुहाडा कौन हो ते तुहाडे तों बाद की बने। पर जिहड़ी कैनेडा दा बिल बारे लॉ है वह काफ़ी कॉम्प्लीकेटड है, चाहे बिल बनी है जां नहीं, पर सब तो पहला तुहानूं कोर्ट विच फाइल करनी पैंदी है प्रोबे एप्लीकेशन, ते फिर तुहानूं कोर्ट किसी ना किसी नूं उहदा ट्रस्टी अपॉइंट करती है। सो नैचुरली जे बिल बनी है उस लिखा होएगा कि मेरा ट्रस्टी कौन होना है, जे तुसीं बिल नहीं बनाई ते हुण तो ट्रस्टी कौन बनेगा, ते जे तुहाडे दो भैण भाई ने जां पेरेंट्स ने जां उहनां दी आपस च लड़ाई है सो उहदा सारे दा चक्कर पै जाएगा। सो इह बिल दा इही फायदा कि तुसीं उवें कम हुंदा जिवें तुसीं चाहुंदे हो। सो मान लो तुहाडे दो बच्चे ने ते तुहाडी 5 लाख प्रॉपर्टी है, सो डैथ हो गई ते लॉ दे मुताबिक पहला 2.5 लाख तां स्पाउस नूं जाएगा, ते जिहड़ा बाकी दा 2.5 लाख बचिया उह तुहाडे स्पाउस ते दो बच्चिआं च तिन तिन हिस्से वंडिआ जाएगा। लॉयर हरमिंदर ढिल्लों दसते हैं कि वसीयत नूं लंबे समय लई अते किसे सुरक्षित जगह ते सांभ के रख्या जा सकता है, पर वसीयत कित्थे रखी है इसकी जानकारी तुहाडे साथी जां करीबी रिश्तेदार नूं होनी जरूरी है तां जो जरूरत पैण ते जल्दी मिल सके। उन्होंने यह भी दस्सिया कि लोड़ पैण ते इसकी ओरिजिनल कॉपी ही पेश की जानी चाहिए है, फोटो कॉपी जां स्कैन नूं वसीयत नहीं मन्निया जांदा। जे तुहाडी ओरिजिनल कॉपी गुम गई ते तुहाडे कोल उहदी फोटो कॉपी है ते इहदा मतलब इही है कि तुहाडी विल है नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਬਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 4 ਜਾਂ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੀਪਲ ਆਰ ਮੋਰ ਕੰਸਰਨਡ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਡੈਥਸ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।